फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास का 36वां दिन है, तो आज की वीडियो में हम सिखाएंगे आपको चार तरह की बाजू कटिंग करना, जिसमें हमारी छोटी स्लीव्स होगी जो 3 इंच की होती है, और एक 4 इंच वाली स्लीव्स होती है, और एक फुल स्लीव्स होती है, और एक होती है जो नॉर्मल स्लीव्स होती है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि अगर आपकी बाजू छोटी हो जाए, जैसे ब्लाउज में से निकालते हैं कई बार छोटी हो जाती है, तो हम उसे बड़ा करके फिर से कैसे कटिंग करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। और इस 4 इंच की बाजू की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, और प्लीज़ फ्रेंड्स ये मत कहना कि कपड़े पे सिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है तो सारी दुकानें बंद हैं, चार्ट पेपर का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको कपड़े पर ही सिखाऊंगी जो भी मेरे पास कपड़ा है अभी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो हमारी 4 इंच की बाजू की कटिंग होती है, तो जिसके लिए हम ये कपड़ा ले लेंगे। ये देखिए, तो अभी जैसे कि हम दोनों बाजू एक साथ निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों बाजू एक साथ निकालते हैं तो हम कपड़े को 4 तह में बिछाते हैं इस तरीके से। अभी आपको दिख रहा होगा ये 2 तह में है, अब हम इसको ऐसे 4 तह में कर देंगे, जितनी हमको आप ये चाहिए। मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगी कि अगर आपकी जो मतलब अगर आप हेल्दी हैं तो आपको आर्म होल के हिसाब से कितना ज़्यादा लेना होता है। कई बार कमेंट आती है कि हमारी बाजू छोटी हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों होती है। तो जैसे कि हम बना रहे हैं इसको 40 इंच के हिसाब से, ठीक है। ये 40 इंच की अगर किसी की ब्रेस्ट है तो उस हिसाब से हम बना रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से अपनी चौड़ाई लेंगे 9 इंच पे, जैसे कि अगर हम 36 के हिसाब से बनाते तो हमें कितना लेता लेना होता, हमें लेना होता 8.5 इंच। अगर हम 40 के हिसाब से बना रहे हैं तो हमको कितना लेगा, 9 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 9 1/2 इंच। तो हम यहाँ से 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब 9.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी ये बंद की साइड है, ये खुले की साइड है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे 4 इंच की हम बनाएंगे तो हम कितना कट करेंगे बाजू को, हमें 5 इंच कट करना होगा, तैयार हमें 5 इंच कट करना होगा, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से कर देना है सीधा, ठीक है। अभी जो ये खुले की साइड है, सॉरी ये बंद की साइड है, अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो खुले की साइड है यहाँ से कितना लेना है आपको, 2.5 इंच। जैसे नॉर्मली हम कितना लेते हैं, 3 साढ़े 3 इंच, लेकिन इसमें हमें लेना होगा 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और 1 इंच पे हम ऐसे लगाएंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से गोलाई देते हुए हमको लाना है और इससे मिला देना है इस वाले निशान से। ये छोटी स्लीव्स की कटिंग है। अब जैसे नॉर्मली आपकी जितनी भी फिटिंग हो, जैसे कि हमारी 6.5 इंच पे है तो उसमें 1.5 इंच ज़्यादा तो हम लेंगे 7.5 इंच पे, ठीक है। और इसको फिर हम इससे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो सबसे छोटी बाजू, जो मीडियम साइज की बाजू है, ये उसकी कटिंग है। एक इससे भी छोटी होती है 3 इंच की बाजू, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जब भी हम दोनों बाजुओं की कटिंग करते हैं तो हम हमेशा कपड़े को 4 तह में रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी 4 इंच की बाजू की कटिंग। यहाँ से कम लिया जाता है, यहाँ से 2.5 इंच लेना पड़ता है, और इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आपको पता है। तो 1 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1/2 इंच तो जाएगा हमारा जब हम बाजू को अपनी कुर्ती में या ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। और 1/2 इंच अगर हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे तो उसमें जाएगा। हमने इसमें फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लिया है, हमने इसमें सिर्फ इतना कपड़ा लिया है कि हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे। तो फिर देखिए, जो आपकी ये वाली शेप होती है, ये वाली शेप यहाँ से वो इतनी रह जाएगी, इतनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी 4 इंच की बाजू की कटिंग हो जाती है। अब उसके बाद जो इसमें हम फ्रंट में शेप देते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि हमारा ये कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 8.5 इंच, सॉरी 9.5 इंच, यहाँ से नापेंगे तो हमारा ये 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना आता है हमारे 9.5 इंच का हाफ, हमारा आता है 4.5 इंच, ठीक है। तो हम सेंटर में 4.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये मैं साइज के लिए बता रही हूँ, सेम आपको सब में ऐसे ही करना है। अब यहाँ से इस तरीके से सेंटर से और यहाँ से गोलाई दे देते हैं इसमें 1 इंच की। वो क्यों देते हैं, ताकि अंडरआर्म्स की साइड झोल ना पड़े। अब इसकी सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है आपको। तो ये हो गई, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें
जो हमारी मीडियम साइज की बाजू होती हैं, मतलब जिसमें हम जैसे कि हम अपने लिए या फिर किसी और के लिए, कोई किसी किसी को बड़ी बाजू पसंद है तो उसके लिए कितना लेना, जैसे मान लीजिए कोई 6 इंच की बाजू तैयार पहनता है और उसमें हम फोल्डिंग के लिए भी ले लेंगे तो हम कितना लेंगे, कटिंग करते टाइम हम लेंगे 8 इंच, तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 8 इंच पे लगाया। अब जो यहाँ से खुली वाली साइड है, पहले चौड़ाई देख लेते हैं। जैसे कि ये हम बना रहे हैं 36 के हिसाब से, तो 36 का कितना आएगा हमारा 8.5 इंच, और हमने 40 का कितना लिया था 9.5 इंच। अब इस तरीके से हमने एक निशान लगा लिया है जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अभी हम यहाँ से जो खुली वाली साइड है वहाँ से ऊपर से रखेंगे इंच टेप को, और 3 साढ़े, अब जैसे कि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा छोटी नहीं पसंद होती, तो वो क्या करती हैं कि वो उनका दोनों साइड से बराबर ही होता है, मतलब जैसे कई बार क्या होता है जैसे मैंने 4 में 2.5 इंच लिया था तो ये चीज़ कम हो जाती है, लेकिन किसी किसी को ये चीज़ कम नहीं पसंद है, बराबर पसंद है। तो उस केस में आपको कितना लेना है ऊपर से 2.5 इंच, लेकिन मैं यहाँ से ले रही हूँ 3 इंच। ठीक है, अभी सेम आपको शेप देनी है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये हमने शेप दे दी है और सेम इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे कि यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ से 5.5 इंच या 6 इंच लगा लीजिए आप, जितना भी आपका आता है। तो हम यहाँ से लेंगे, 5.5 आ रहा है तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। हम 7 इंच ले लेते हैं मार्जिन समेत इस तरीके से, और इसकी भी हम सेम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज की बाजू कटिंग कर सकती हैं। तो ये देखिए हमने ये कर दी है नॉर्मल बाजू की कटिंग। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम ऐसे ही शेप देंगे फ्रंट साइड को। सेम आपको वही सेंटर करना है, अंदाजे से कर लीजिए, नाप के कर लीजिए, इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर देते हैं। और इसकी कटिंग का तरीका मैं आपको एक बार इसमें बताई देती हूँ। इसको पहले हम ऐसे खोलते हैं फिर उसके बाद कटिंग करते हैं ऐसे, और जब हम इसको रखते हैं तो इसका जो शेप है वो अलग ही दिखता है, फिर हमें समझ में आता है कि ये हमारे फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगी, और इस तरीके से इतना गैप दिख जाता है इसमें। ठीक है, ये हो गई हमारी जो नॉर्मल बाजू होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी 3 इंच की बाजू होती है उसकी कटिंग, तो उसके लिए हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये 4 तह में है कपड़ा, और यहाँ से हम जैसे कि हमारी चौड़ाई आएगी यहाँ पे 8.5 इंच पे। ठीक है, 8.5 इंच पे लगाया हमने निशान, इसको अच्छे से पहले बराबर कर लेंगे। अब देखिए जैसे किसी किसी को 3 इंच की बाजू चाहिए, तो 3 इंच की बाजू बनाने के लिए आपको कितना निशान लगाना होगा, 4 इंच पे। 1 इंच आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप उसी में फोल्ड करना चाहती हैं तो आप तो ज़्यादा ले सकती हैं। और देखिए आपको एक चीज़ और मैं इसमें बताऊँगी कि आपको फिर ये वाले जैसे जैसे हमारी बाजू की ये जो लंबाई ये कम होती जाती है, तो उतना ही हमें यहाँ से बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से भी बिल्कुल लूज रखेंगे तो हमारा मतलब फिट नहीं आएगा, वो खिंचेगा। अब यहाँ से कितना लेना है हमको, यहाँ से लेना है हमको 2 इंच पे। जैसे हमने 4 की बनाई थी तो हमने लिया था 2.5 पे, अब की बार हमें लेना है 2 इंच पे, और ये 3 इंच की बाजू है। अब सेम ऐसे ही शेप दे देनी है आपको भी ऐसे, और यहाँ से कितना करना है आपको 6.5 इंच पे, और इस तरीके से शेप दे देनी है। तो देखिए ये हो गई हमारी जो हमारी 3 इंच की बाजू होती है। अब जब हम इसे ऐसे सिलेंगे, जैसे इतना मान लीजिए इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगी, छोटी हो जाएगी ये। और इसकी जो ये वाली फिटिंग होती है इसको बिल्कुल आपको नाप के नहीं लेना होता है, इसको आपको नॉर्मल फिटिंग से करीबन 1/2 या 1 इंच लूज रखना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी छोटी बाजू होगी वो हल्की सी लूज मिलेगी आपको, क्योंकि अगर इसे बिल्कुल फिट कर लेंगी आप तो आपको ये खिंचेगी और टाइट होगी और कंधे से खिंचेगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी। छोटी बाजू बनाई तो यहाँ से ज़रूर लूज रखें उसे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी फुल बाजू की कटिंग करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे फुल बाजू में आप, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कितनी फुल पहनना चाहते हैं। जैसे फुल में होती है, एक तो होती है जो हमारी नॉर्मल होती है वो होती है 15 इंच पे, मतलब वो मीडियम बाजू होती है, वो हमारी यहाँ तक आती है 15 इंच की बाजू।
और जैसे हम अम्ब्रेला में बनाएंगे तो हम कितना 12 या 11 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे घेरा लगेगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी किसी वीडियो में जल्दी ही। पहले आप ये वाली सीखिए। तो देखिए, जैसे हम एक बाजू की कटिंग बताएंगे, क्योंकि कपड़ा दो फोल्ड में है, बस इतना ही कपड़ा है ये। अभी हम क्या करेंगे फुल बाजू के लिए, पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ से लंबाई के लिए। तो जैसे कि इसकी लंबाई है यहाँ पे हमारी 20 तैयार है, ठीक है, जैसे 20 तैयार है, तो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा है इसमें शोल्डर के लिए, और नीचे हम इसमें अलग से पट्टी लगा के मोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी हम चौड़ाई देख लेते हैं इसकी, जैसे कि चौड़ाई में हम कितना लेंगे इसे, चौड़ाई में हम जैसे कि हम बना रहे हैं इसे 32 इंच के हिसाब से, तो 32 का लेंगे हम 7.5 इंच आर्म, ये बाजू की जो गोलाई होती है ये 7.5 इंच पे लेंगे, तो हमारा 7.5 इंच पूरा आ रहा है, एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा है उसे निकाल देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंच पे, ठीक है, और शेप सेम वही होगी यहाँ से और यहाँ तक की शेप आपको वही देनी है, अलग से कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ से जितनी भी फिटिंग है, जैसे नॉर्मली हम 1.5 इंच लेते हैं, यहाँ से हमें 2 इंच लेना होगा, जैसे हमारी 6 पे है तो हम यहाँ से 8 इंच पूरा लेंगे अपना, और बस इसको ऐसे सीधा मिला देना है इस तरीके से, ऐसे सीधा मिला के बस कटिंग कर देंगे इसकी पूरे की। यहाँ से ऊपर तक लाएंगे कटिंग करते हुए, और यहाँ से इसको शेप ऐसे ही दे देंगे जैसे हम हर बाजू में देते हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी फुल बाजू की कटिंग। अब यहाँ से भी हम सेम ऐसे ही आधा इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और बाजू को खोलेंगे, क्योंकि सिर्फ ये फ्रंट पार्ट पे आता है, बैक पे नहीं आता है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये शेप दें हमेशा बाजू को खोल के ही दें। तो देखिए कटिंग कर दिया है, तो ये शेप फिर अलग ही दिखती है, ये देखिए ये इसमें दिखने लगी है, आपको दिख रहा होगा, ये कटिंग कर दी है, तो ये इसका मतलब ये फ्रंट में आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी बाजू छोटी है तो उस केस में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये बाजू का कपड़ा है, मैं सिंगल पे ही बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा इतना कपड़ा बचा है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये मेरा 12 इंच कपड़ा है, ठीक है। अब मुझे बनानी है 40 की, जैसे 40 छाती है तो मुझे 9.5 इंच कपड़ा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। उसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कि उस केस में आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी ब्लाउज कट करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पीस हमारे पास बहुत सारे बचते हैं, तो हमें क्या करना है उसमें, हमें इस पीस को ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पीस बचा मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे खोल दूंगी, यहाँ से खोल दिया मैंने। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे और एक साइड को यहाँ सिलाई लगाएंगे और एक साइड को यहाँ सिलाई लगाएंगे, और पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि ना ही तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जोड़ लगाया, इस तरीके से आप, मैं सिर्फ एक बाजू में सिखा रही हूँ, इस तरीके से आप फुल स्लीव्स हो चाहे हाफ स्लीव्स हो, किसी भी साइज की स्लीव्स हो, इस तरीके से बाजू कटिंग करेंगी तो आपकी बाजू कभी भी छोटी नहीं होगी और हमेशा ऐसी ही कटेगी जैसे हम नॉर्मल कपड़े से कटिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे डिजाइनर ब्लाउज होते हैं उनमें छोटी पड़ जाती है, तो बचे हुए फैब्रिक को जोड़ लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले दो सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जोड़ लिया है सिलाई से, आप देख सकती हैं मैंने दोनों साइड को, इस साइड भी और इस साइड भी सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैंने कितना बताया था, मुझे जैसे 40 की बनानी है तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए, मुझे चाहिए 9.5 इंच कपड़ा, 9.5। तो यहाँ से हमारा 9.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास ये इतना कपड़ा बच रहा है आधा इंच के बराबर। अब जैसे कि हमें इसकी लंबाई कितनी चाहिए, हमें इसकी लंबाई चाहिए 5 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम टोटल 6 इंच ले रहे हैं इसको, 1 इंच मार्जिन समेत, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो खुली वाली साइड है यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच पे निशान, ठीक है। अभी हमको शेप देनी है इसमें बाजू की, इस तरीके से हमें शेप दे देनी है इसमें, और
और यहाँ से जितनी भी आपकी फिटिंग आती है, जैसे कि हमारी आ रही है 6.5 इंच पे, तो हम 7.5 इंच पे कपड़ा ले लेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा तो प्लेन है, अगर जब प्रिंटेड कपड़े होते हैं तो उनमें ये शेप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। ये प्लेन है तो इसमें आपको थोड़ी सी क्लियर ये चीज़ दिख रही है, लेकिन ये जब हम सिलाई करते हैं तो ये हमारी साइड में आ जाती है और ये बिल्कुल बगल में आती है कि कहीं से भी दिखाई नहीं देती। इस तरीके से आप कोई भी छोटी आपकी बाजू पड़ रही है और आप देख सकती हैं शेप बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही आई है जैसी हम देते हैं, और सेम हमको ऐसे ही करना है, 1/2 इंच की यहाँ से शेप दे देनी है फ्रंट से। तो इस तरीके से आप किसी भी बाजू में जॉइंट लगा के, ये प्लेन फैब्रिक है, प्रिंटेड में इतना सा भी नहीं दिखता, ये बिल्कुल क्लियर ऐसा लगता है जैसे हमारी बाजू इतनी ही है। इस तरीके से आप 42 मतलब जितनी भी साइज़ की बाजू आपको कटिंग करनी है कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट करके बताइएगा आगे मुझे और क्या सिखाना है आपको।